कानपुर क्षेत्र के सरैया स्थित मदर शारदा कॉन्वेंट स्कूल का दोपहर 1 बजे उद्घाटन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के वरिष्ठ नेता सहजानंद राय ने फीता काट करके विद्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि निश्चित रूप से हमारे पार्टी के कोड़िया मंडल अध्यक्ष आशुतोष चौबे की बड़ी ही सराहनीय पहल है। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को शहरी तर्ज पर शिक्षा देने का जो इन्होंने संकल्प लिया है वो बड़ी ही सराहनीय है। शिक्षा की बदौलत ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। विशिष्ट अतिथि के रूप में लालगंज लोकसभा के जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा एक ऐसी आधारशिला है जिसके द्वारा राष्ट्र निर्माण से लेकर के संस्कार निर्माण का कार्य किया जाता है। अध्यक्षता कर रहे पूर्व प्राचार्य भगत सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा के लिए ऐसे विद्यालयों का काफी अभाव रहा है। कॉन्वेंट की तर्ज पर शिक्षा लेकर के देहात के बच्चे भी अब शहरी बच्चों के मुकाबले अपना भविष्य बेहतर बना सकेंगे। ऐसे कार्यों की मैं सराहना करता हूं और अपील करता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जितना भी विकास किया जाए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक सुनहरी पहल होगी। कम फीस में अच्छी शिक्षा मिले, ये सबका सपना है। वक्ता के क्रम में प्रमुख प्रतिनिधि संतोष यादव, बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमाकांत मिश्रा, हरीश तिवारी मंडल अध्यक्ष, राजेश सिंह भाजपा के वरिष्ठ नेता, रमाशंकर वर्मा, संतोष चौबे, उदय राज यादव, उपेंद्र मिश्रा, रुद्र शर्मा सहित सैकड़ों लोगों ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का कोड़िया के मंडल अध्यक्ष आशुतोष चौबे द्वारा आभार व्यक्त किया गया। मैं सोशल वेलफेयर फाउंडेशन का भारत का चीफ कस्टोडियन हूँ। आज के कार्यक्रम के आप अध्यक्ष रहे हाँ? और इस विद्यालय के ओपनिंग में आप आए हाँ? तो इस समय जो विद्यालय गवर्नमेंट विद्यालय खुल रहे हैं, इंग्लिश मीडियम विद्यालय खुल रहे हैं हाँ? इस समय लोगों की डिमांड भी है, जरूरत भी है हाँ? इसके बारे में आपकी क्या राय है? दो बातें हैं, एक तो जो लोग खोज रहे हैं उनकी मनसा ये खूब चले, खूब तब चल रहा है जब हमको ललचा दिया गया अंग्रेजी की तरफ, लेकिन अपने बेसिक मूल्य जीवन मूल्य जहाँ हुए हैं उनको छोड़ना गड़बड़ होगा। इस समय जैसे समय की मांग भी तो है, जीवन मूल्य छोड़ा जाए, सच्चाई छोड़ी जाए, जैसे बेईमान पॉलिटिक्स कहते हैं पॉलिटिक्स वाले कि नहीं नहीं इसमें सब जायज है, वो स्थापित करिए दिमाग में हमारे, क्यों जायज है, क्यों नैतिक नहीं रहोगे? अनैतिकता करने के लिए उन्होंने जमाया इस बात को हमारे दिमाग में, जैसे कांग्रेस ने आज़ादी दिलवाई, वह कांग्रेस वहाँ का 72 बार टूटी है, वो कौन कांग्रेस, वो तो सभी थे, हम भी मान लेते हैं, स्थापित कर दिए सब। इस समय सरकार भी तो इंग्लिश मीडियम स्कूलों की तरफ बढ़ावा, वो हम इंक्लूसिव हैं, हम बता रहे हैं स्कूल को, नहीं नहीं पूछिए ना क्या चाह रहे हैं, अंग्रेजी ने पढ़ाई जाए, हम इंक्लूसिव हैं, आनो भद्रा कतौ जंतु विश्वतः, अंग्रेजी अच्छी भाषा है। एक प्रश्न हमसे पूछ दिया वो तर्कस वालों ने उस दिन, हमने कहा क्यों, हिंदी हिंदू पद्धति से ऑफिस कैसे चलेगा, वो अंग्रेजी भाषा से ही चलेगा, वो कैसे चलेगा ऑफिस, तो जो काम लायक है उसको हम स्वीकार करते हैं खटाखट, ये हमारी मान्यता रही है। और उसके बाद इसीलिए बाहर के किसी विचार की ज़रूरत हिंदुस्तान को नहीं पड़ती, बताइए।